मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक और युवा चेहरा। धार जिले की कुक्षी विधानसभा से लगातार दूसरी बार के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल। 17 मार्च 1977 को इनका जन्म कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल के यहाँ होता है। डेली कॉलेज इंदौर से पढ़ाई पूरी होती है। इनके क्षेत्र में ये हनी भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। 1994 में ये एनसीसी एयरविंग बेस्ट कैडेट बनते हैं और अपनी रुचि खेल में होने के कारण 1996 में स्कूल बास्केटबॉल टीम को नेशनल लेवल पर लीड भी करते हैं। राजनीतिक सफर की बात करें तो वो शुरू होता है 2008 में, जब वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनते हैं। इसी साल उन्हें धार जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। फिर 2011 में वो युवा कांग्रेस लोकसभा उपाध्यक्ष बनते हैं। इस बीच वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं और इसी सक्रियता के कारण उन्हें 2013 में कांग्रेस ने कुक्षी विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनके पिता भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, जिस कारण से क्षेत्र में उनकी पकड़ पहले से ही है। नतीजे आए और सुरेंद्र सिंह बघेल ने बीजेपी के मुकाम सिंह किराड़े को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया और कुक्षी के विधायक बने। साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दे उठाते रहे। एक बार फिर 2018 के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है और कुक्षी की जनता इन पर अपना भरोसा बनाए रखती है। इस बार बीजेपी के वीरेंद्र सिंह बघेल को ये चुनाव हराते हैं। इस बार सरकार भी कांग्रेस की बनती है और सुरेंद्र सिंह बघेल को कमलनाथ कैबिनेट में टूरिज्म और पर्यटन वैली डेवलपमेंट का विभाग दिया जाता है। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने पर इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। युवा होने के साथ साथ अब बघेल को राजनीतिक अनुभव भी है। उनके क्षेत्र में खास तौर पर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगी, ये वक्त पर निर्भर करता है। उनकी नज़र अपनी सीट को हर हालत में बचाने पर रहेगी। कुक्षी विधानसभा पिछली दो बार से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसी कारण से उनका फोकस इस सीट को जीतने पर रहने वाला है, लेकिन उनके सामने सुरेंद्र सिंह बघेल का चेहरा एक बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।